प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हाजिर हैं। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच MOU साइन होने के बाद अब टर्मिनल बनने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। जल्द ही अब चूनापुर के सैन हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया जाएगा। दरअसल पूर्णिया के एक सामाजिक संगठन द्वारा RTI के जवाब में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि बिहार सरकार के साथ MOU साइन होने के बाद टर्मिनल का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही बिल्डिंग के जरिए किसी कंपनी को टर्मिनल के निर्माण का ठेका दिया जाएगा, जिसके बाद चूनापुर के डिफेंस एयर बेस पर एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिया हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव निर्माण कार्य के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को सौंपी गई। पूर्णिया में 550 करोड़ की लागत से 50 लाख यात्रियों की प्रतिवर्ष क्षमता वाला एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्णिया से दिल्ली रूट इस बार इंडिगो एयरलाइंस को मिल सकता है, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली रूट पर उसे इसकी इजाज़त नहीं मिली थी। स्पाइस जेट को उड़ान स्कीम के तहत यह रूट मिला था, जिस पर उसने मोटा पैसा कमाया है। इसी तर्ज पर सीमांचल से यात्रियों की संख्या को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस इस रूट पर विमान सेवा शुरू करने के लिए उड़ान 5.0 में हिस्सा ले सकती है। पहले ऐसे अटकलें लगी थी कि इस रूट पर भी स्पाइस जेट ही विमान परिचालन शुरू करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए स्पाइस जेट कंपनी ने पूर्णिया और कोसी सीमांचल में आर्थिक सर्वे करने के लिए वहां अपनी टीम भेजने की भी योजना बनाई थी। एविएशन सेक्टर के जानकार बताते हैं कि पूर्णिया से दिल्ली का न्यूनतम किराया 4000 से लेकर 4500 रुपये के बीच होगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ सीमांचल और कोसी बल्कि आसपास के 10 जिले के करोड़ों की आबादी को एयरपोर्ट का सीधा लाभ मिलेगा। फ्लाइट्स के लिए लोगों को बागडोगरा नहीं जाना होगा। एयरपोर्ट शुरू होने से जिला का विकास दोगुना तेजी से होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्णिया की कुछ अन्य खबरों के साथ फिर होंगे आज। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।